रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान सी रेसिपी है। यहाँ मेरे पास से एक पाव से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है, आधा किलो से थोड़ा कम। 4 to 3 persons के लिए ये बिरयानी, इतना गोश्त काफ़ी रहता है। ये मैं सिंपल बॉईल करने के चढ़ा रही हूँ, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। गोश्त हमारे पास गल चुका है और अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज ले लिया, इसको मैं अच्छा सा लाल कर लूँगी। और अभी मैं इसमें ऑयल डाल दूँ, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम ऑयल डालेंगे। लाल हो चुकी है और मैं इसको थोड़ा सा और लाल कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी ऊपर गार्निश करने के लिए। जैसे ही मेरे पास प्याज लाल हो गई, इसमें मैंने थोड़ी सी आधा कप यखनी डाल दी है ताकि प्याज का थोड़ा सा पानी निकल आए। ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास गोश्त का पानी निकला है, जिसमें गोश्त गला है, हमने वही पानी इस्तेमाल करना है, हमने इसमें टैप वाटर नहीं यूज़ करना। तो इससे फिर इस बीफ बिरयानी का जायका बहुत ही लजीज हो जाता है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ रखा हुआ है, ये मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ सारा। और जो मेरे पास टमाटर कटे हुए रखे हुए हैं, टमाटर मेरे पास ये 2 medium size टमाटर हैं। मेरे पास शान का बिरयानी मसाला है, नॉर्मल वाला। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शान का ही लीजिएगा क्योंकि उसका अच्छा जायका होता है और उसके अंदर खड़े गरम मसाले भी और मसालों में इससे ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसकी सिर्फ मैं 2 tablespoons डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही। और बाकी मैं इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1/2 teaspoon, थोड़ी सी रेड चिली ऐड करूँगी और हल्दी ऐड करूँगी और 1/2 teaspoon ज़ीरा। टमाटर हमारे पास बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करना क्योंकि चावल में थोड़े थोड़े टमाटर और इस तरह ये अच्छा लगता है। और ये जो दही का मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था वो अब सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। क्योंकि हमारे पास गोश्त गला हुआ है इसलिए हम ये प्रोसीजर सारा गोश्त और गोश्त के बनाया करते हैं। दम के लिए अब मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और अब इसको मैं इस तरीके से ऐसे हल्का सा इसमें होल सा कर रही हूँ ऐसे करके, ताकि पानी जो है ना नीचे वाली उसमें चला जाए लेयर पे। और फिर हल्का सा बस मैं इसके ऊपर ऐसे छिड़क दूँगी और फिर इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी।